जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैन्यों लड्डू लड्डी, स्वागत आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं आंसर की का। वैसे मैं आप सबको बता दूं, आप सबने एक चीज तो देख ली होगी कि एसएससी जीडी ने या एसएससी की डिपार्टमेंट की तरफ से एसएससी जीडी के लिए जो आंसर की का जो लिंक है वो जनरेट हो चुका है। आपके पास में भी वो लिंक पहुंच चुका है। अगर नहीं पहुंचा तो मैं इस वीडियो के नीचे वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से दे सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे ये लिंक है इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये इंटरफेस सामने आएगा। इसमें आपका रोल नंबर और आपका पासवर्ड डालना है, उसके बाद में आपके आंसर की जारी हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, सिर्फ अभी इस समय तक, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय तक सिर्फ और सिर्फ आंसर की का लिंक जनरेट हुआ है, आंसर की जारी नहीं हुई है। अब आंसर की का लिंक जनरेट हो गया, इसका मतलब यह है कि आपकी जो आंसर की है वो भी मान के चलिए कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर, आज संडे है, कल मंडे, या तो हो सकता है कि कल आ जाए या परसों। जैसे कि मैंने पहले से आपको बताया था कि 15 मार्च से पहले पहले चांसेस है कि आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। 7 मार्च को एग्जाम खत्म हुए और 15 मार्च से पहले पहले आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। और मेरी जो दूसरी घोषणा है वो भी सच्ची होगी कि आपके अप्रैल के माह से फिजिकल भी शुरू होंगे। तो जो भी बच्चे फिजिकल के चक्कर में ऐसे बैठे हैं कि हम आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर हम फिजिकल शुरू करेंगे, तो उनसे मूर्ख कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए सबसे ज्यादा चाहिए स्टेमिना, आप लगातार रनिंग करनी पड़ती है, लॉन्ग रनिंग है ये, 1600 मीटर की रनिंग जैसे हार्ड होती है, वो शॉर्ट टाइम में ज्यादा स्पीड लगानी पड़ती है, इसमें लॉन्ग टाइम और डिस्टेंस जो रहता है वो काफी लंबा रहता है, इसलिए आपको इस समय से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अप्रैल के माह में अंतिम दिनों में आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। आंसर की के बारे में आपको बता दूं, ये लिंक मैं कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में भी दे रहा हूं, और जैसे ही आप ये लिंक जनरेट करोगे, यहां आप जैसे डालोगे उसके पास में, जैसे आप कोई भी मान के चलिए रोल नंबर और पासवर्ड डालोगे, उसके बाद में वो क्लोज दिखा देगा इस समय, क्योंकि अभी ये आंसर की जारी नहीं हुई है। आंसर की जारी या तो कल या परसों, क्योंकि आज तो संडे तो होगी नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना आपकी जो रनिंग टाइम है, फिजिकल का जो समय है वो भी अप्रैल अंतिम में है। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दे, भले आप किसी अकेडमी में जाए या घर पे भी करें, रनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एसएससीजीडी की रनिंग घर पे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। रोड रनिंग है, 5 किलोमीटर की रनिंग है, लगातार करिए, एक समय अभी से शुरू कर लीजिए। जैसे आपकी आंसर की जारी हो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, दोनों टाइम शुरू कर दीजिए। और जो रिजल्ट है आपका, मतलब पहली जो कट ऑफ है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगी, ये भी ध्यान रखना। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक पक्का क्लियर हो जाएगा कि आपकी कट ऑफ किस डेट को आएगी, पहली फिजिकली कट ऑफ। तो आपको अगर आंसर की का ये जो लिंक चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से ले लेना, और आंसर की भी जारी हो जाएगी लाड दो। इसीलिए सबसे इंपोर्टेंट समय आपको फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए। कट ऑफ कितनी जाएगी ये बाद की बात है, फिजिकली कट ऑफ में अगर आपका नंबर आता है तो आपको 100% फिजिकल देना चाहिए, भले आप उससे 2 नंबर 4 नंबर कितने भी ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है लाड लो, आंसर की का जैसे ही लिंक जनरेट हुआ है, मान के चलिए कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी भाई। ठीक है,